हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है शातिर पड़ोसन। कामिनी बहुत ही सुंदर औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन कामिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते में उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, कामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कामिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? कामिनी बोली, अरे जिसकी किस्मत ही सोई हुई हो वो जाग कर क्या करे। आलोकनाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। कामिनी बोली, तो क्या चाहते हो आप, सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि कामिनी को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वह इसी तरह नाटक करने लगती थी। आलोकनाथ बोले, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। तब कामिनी बोली, हाँ हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के वालिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ बोले, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊँगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है, 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। कामिनी बोली, तो फिर मुझसे पूछते ही क्यों हो कि क्या चाहिए, जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामिनी के लिए रिंग ले आया। लेकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच कामिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामिनी अपनी बैल्कनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति है, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। कामिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कामिनी बोली, वो जी वो आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन बोला, जी अभी देता हूँ। अमन ने सुप्रिया को आवाज लगाई, सुप्रिया सुप्रिया जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे कामिनी को देने को कहा। इस बीच कामिनी की नजर अमन के घर पर थी। काफी महंगी और एंटीक चीजों से घर सजा हुआ था। जब सुप्रिया ने कामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामिनी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कामिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर आई तो आलोकनाथ की नजर उस पर गई। आलोकनाथ बोले, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों लाई? कामिनी बोली, ये बातें आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्दी ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैर हाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अमन हंसते हुए बोला, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही निकाल लेंगी। कामिनी बोली, अरे ऐसा मत कहिए अमन,
आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अमन बोला, ये आप क्या कह रही हैं? कामिनी बोली, अरे आप तो सीरियस ही हो गए, अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का अधिकार है या नहीं? इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह से इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो कामिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर गई। सुप्रिया बोली, अरे आइए आइए भाभी, हम आप ही की बात कर रहे थे। कामिनी बोली, मेरी बात? सुप्रिया बोली, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कामिनी बोली, अच्छा क्या कहते हैं अमन? सुप्रिया बोली, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मजेदार बातें करती हैं, आपके जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में मुश्किल ही है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई, उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कामिनी को जब पता चला कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामिनी ने सोचा, यही सही मौका है अमन को फंसाने का, आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे कामिनी ने अमन के घर का दरवाजा खटखटाया। अमन ने जरा देर से दरवाजा खोला। कामिनी बोली, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में? अमन बोला, अरे भाभी वो किचन में रोटियां बना रहा था, आपको तो पता ही है ना मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कामिनी बोली, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती, लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामिनी बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाए। कामिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई, उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामिनी का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन बोला, कामिनी भाभी मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद करती हैं, नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामिनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वह 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। कामिनी बोली, अरे अमन वो क्या है ना कि मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। अमन ने हामी भर दी। इधर कामिनी तो किसी और फिराक में थी, उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कामिनी अचानक उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामिनी बहुत देर तक उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा, लेकिन अचानक अमन को लगा उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। कामिनी बोली, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से
पता नहीं कहां से दो दो छिपकली बाथरूम से निकल आई। उसे देखकर मैं डर गई थी और जोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी कामिनी से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी कामिनी वहां आ गई, उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामिनी बोली, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1,00,000 रुपये उसे दे ही दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसने 1,00,000 रुपये कामिनी को दे दिए। हालांकि उसे कामिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ था, लेकिन कामिनी ने एक बार फिर से उससे 5,00,000 रुपये मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ, उसने 5,00,000 रुपये भी दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामिनी ने उसे फिर से 2,00,000 रुपये मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामिनी जब शाम को 2,00,000 रुपये लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामिनी बोली, अरे तुम कब आई सुप्रिया? सुप्रिया बोली, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है कोई? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया बोली, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो लालच खत्म ही नहीं होता। कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ ही दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने को चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।